हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सुबह से ही गला ख़राब था तो एक भी सीओडी या क्यूओडी आपको नहीं दे पाया, बट अब दे रहा हूँ। अभी आप ये सीओडी देखेंगे, सीओडी में क्या है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को उठाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही टाइप का सवाल है, बट डेटा ऐसा है दोनों का अलग अलग कि हमें अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़े। यानी कि हम इस सीओडी में, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, दो मेथड सीखेंगे, दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों का। उससे पहले आप देख रहे हैं मैं लगातार आपको सीओडी क्यूओडी दे रहा हूँ। एक क्लास थी अभी 5 बजे से जो नहीं हो पाई, गले की वजह से लगातार क्लास लेनी पड़ रही है। सुबह से क्लास ले रहा हूँ, अभी 8 बजे मेरा खुद टिग्नोमेट्री का, यानी कि एडवांस मैथ्स का नया बैच है टिग्नोमेट्री से, वो पढ़ाना है। उसके बाद 10 बजे आपकी फिर फ्री क्लास है अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे, जिसके अंदर आज हम क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब एक अर्थमेटिक का टॉपिक उठा रहे हैं और अर्थमेटिक के, SICI के अर्थमेटिक के सवाल करेंगे 10 से 11:30, यानी 1.5 घंटे की फ्री क्लास है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीआई का ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैंने एक और वादा किया था कि मैं टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाऊंगा, तो वो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। परसों से वो स्टार्ट हो जाएगा, सारी फ्री स्पेशल क्लासेस में आपको मैं बता दूंगा कि कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम बहुत ज़्यादा डीप ना जाके बस एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि मैंने किसी से 10% की रेट पर पैसा उधार लिया है। इसका मतलब है, आप जानते हैं, 1/10, और 1/10 का मतलब है कि अगर 10 रुपये उधार लिया है तो 1 साल बाद 11 हो जाएगा, यही मतलब है। और अगर 100 रुपये उधार लिया है तो 1 साल बाद 121 हो जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं, ये 1 साल का मामला है, ये 2 साल का मामला है। और अगर 3 साल की बात है तो मैंने 1000 उधार लिया है और 3 साल बाद कितना होगा, 1331। देखिए जब भी कोई हमें ये कहता है कि एक आदमी ने 3 बार में पैसा चुकाया उधार लेके, तो हम देखते हैं कि अगर मान लेते किसी ने कहा कि 2 साल बाद 1210 लिया, तो इसका मतलब 2 साल वाले से 1210 यानी 121 से कटना जरूरी है, तो हम समझ गए 1000 लिया। कोई हमें कह दे कि 550 लिया 1 साल बाद, तो हम समझ जाते हैं कि अगर ये 550 से कट रहा है यानी 500 लिया हो, यही करते हैं। किसी ने हमें कह दिया 13310 लिया, तो हम कह देते हैं 10,000 लिया। फिर हम इन सबको जोड़ देते हैं कि 500 जो पहले साल दे दिया और 1000 जो 2 साल के बाद दिया है, और 10,000 यानी कि टोटल इसने 11,500 रुपया लिया। अगर डेटा जो दिया हुआ है 2 साल के बाद वाला डेटा अगर 121 से कट रहा है, 3 साल के बाद वाला डेटा अगर 1331 से कट रहा है, तब तो हम ये तरीका लगाएंगे। बट अगर नहीं कट रहा डेटा, अगर डेटा नहीं कट रहा तो फिर हम समझ जाएंगे कि अब सवाल कैसे होगा। मान लेते हैं कि कुछ मुझे ऐसा दे दिया, मुझे यहां पे दे दिया था कि 3 साल बाद 550 दिया, अब तो बड़ी मुश्किल है। 3 साल बाद 550 दिया है, अगर मुझे ये दे दिया होता तब तो ये डेटा 1331 से नहीं कटता। तब हम इसको फिर पार्ट वाइज करते हैं, कैसे? फिर मैं कहता हूं कि यार अगर 10 रुपये यहां रह गया था 2 साल बाद, तब 11 देना था लेकिन 550 दिया, यानी कि यहां 500 रह गया। यहां पे कितना रह गया था? 500। फिर किसी ने मुझे बता रखा था कि यार 2 साल बाद 710 दे दिया था। अगर 2 साल बाद 710 दे दिया था, इसका मतलब है कि 500 और था जो अगले साल 550 दिया, यानी 710 और 500 यानी 1210 यहां पे पेंडिंग था 2 साल बाद। 2 साल बाद 1210 पेंडिंग था। आप जानते हैं अगर 2 साल बाद 1210 पेंडिंग होगा, यानी कि 1000 उधार। तो दो तरीके हैं सवाल करने के, मैंने क्या बताया। दूसरा वाला अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, मैंने बस इतना कहा कि 2 साल बाद 710 दिया है और 3 साल बाद 550 दिया है, तो बताओ कितना कर्ज लिया था, यही पूछा। तो अब ये कट नहीं रही थी संख्या, ना तो ये 121 से कट रही थी ना ये 1331 से। तो हमने कहा कि अगर यहां 10 रुपये रह गया था, वही 1 साल में 11 होगा, तो हमने कहा 11 की वैल्यू ये है, तो यहां 500 रह गया था। यानी हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद कोई धन 1210 हो गया था, तो वो धन क्या होगा, 1000। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, आपने देखा सेम सवाल है, 2 साल बाद दे रहा था 3 साल बाद दे रहा था, बट डिपेंड करेगा कि अगर 3 साल बाद वाला 1310 से कट गया तो तरीका दूसरा होगा, नहीं कटा तो दूसरा होगा। मैं दो सवाल एसएससी में पूछे हुए आपको बता रहा हूँ, जल्दी खत्म करनी होंगी वीडियो सीओडी,
ताकि आप समझ पाए। जैसे ये एक सवाल पेपर में आया, तो अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैंने देखा कि क्या जो पैसा 2 साल के बाद दिया वो 121 से कट रहा है, मुझे लगा ये तो 11 से ही नहीं कट रहा, 121 से क्या कटेगा। फिर मैंने देखा क्या वो 13,200 रुपए कट रहे हैं 1310 से, नहीं, तो मैं समझ गया तरीका कौन सा लगेगा। इन्होंने क्या किया है, 6634 रुपए यहां दिए दिए, इसके बाद इन्होंने क्या किया है 13200 रुपए यहां दिए। तो हम ये देखते हैं ये 2 साल के बाद और ये टोटल 3 साल यानी 1 साल बाद यहां। तो ऐसे सवाल का मैंने अभी तरीका क्या बताया कि अगर 10 रुपए रह गए थे तो ये 11 में बदल जाएगा, 10 अगर रह गए थे तो ये 11 में बदल जाएगा, 11 की वैल्यू 13200 है, अगर 11 की वैल्यू 13200 है तो कितना होगा 1200, 1 की वैल्यू 1200 सही निकाले, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12000, 11 एकम 11 1200, अगर 1 की वैल्यू 1200 है इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू 12000 यहां पेंडिंग था, 12000, और 12000 पेंडिंग का मतलब हो गया 18634। मैं ये कह सकता हूं 18634 रुपए 2 साल के बाद दिया था। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर 2 साल के बाद दिया था तो 100 रुपए अगर किसी ने लिया होगा तो 2 साल बाद 121 बना होगा, 121 की वैल्यू है ये। तो मैंने 1 की निकाली, पहले 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 11 निम्न 99, फिर 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 1 की वैल्यू 154 आ गई, 100 की कितनी होगी 15400, ये उत्तर। आप समझ गए ये बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, वरना जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगले पॉइंट पे जा रहा हूं। सेम सवाल एसएससी ने पूछा 2018 प्री में, बट अब हमने देखा कि 3 साल बाद वाला पैसा 13310 1331 से कट रहा है, 2 साल वाला 121 से कट रहा है, खेल खत्म। अब हमें क्या करना है, 10% रेट है, आप रेट पे भी ध्यान दे देना, मैंने दिया नहीं, कहीं आप सोच रहे हो कि क्या रेट अलग होगी तब भी होगा, नहीं, तो 10 से 11, मैंने रेट पिछले सवाल में भी 10 थी तो मैंने मान लिया था क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी आपको 10 वाला दिया था। तो अगर कोई धन 2 साल के बाद की बात है तो 100 से कितना हो जाता है 2 साल में 121, और अगर 1000 की बात है तो 3 साल में कितना हो जाता है 13310, यही हो जाता है, हो जाता है। तो मैंने कहा 1331 हो जाता है, सॉरी। अब सवाल में क्या है, यहां पे जीरो है, इसका मतलब यहां भी जीरो लगा दो, 10,000 लिए थे। सवाल में यहां 7260 है, यानी कितने से गुणा हो रही है 60 से, 121 छिक्के 726, तो इसको भी 60 से करेंगे तो 6000, यानी 6000 तो ये था जो यहां पे चुका दिया था, 10,000 ये, यानी टोटल 16,000 रुपये उधार लिए, 16,000 ए ऑप्शन। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में इतना ही, इन दोनों सवालों की बारीकी को समझना, कि मैंने यही मैं हमेशा कहता हूं अर्थमेटिक में, कि कोई ये नहीं कह सकता मैं एक ही तरीके से सारे सवाल कर दूंगा, नहीं, तरीके डेटा पे डिपेंड करेंगे, डेटा कैसा है हर बार, पूरे अर्थमेटिक के अंदर वही सीन है, कौन सा तरीका किस डेटा पे फिट बैठेगा ये हमें समझना होगा, और ये हमें प्रैक्टिस से ही आता है। बड़े सवाल महत्वपूर्ण था पेपर की दृष्टि से, तो मैंने बता दिया बार बार ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे, रात को मिलते हैं 10 बजे SICI की क्लास में, और अगर आप सब कुछ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में 8 बजे, अनअकैडमी प्लस पे, रेफरल कोड अभी नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच।